Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all will be in the best of mood and health. Today is 10th of September 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Su. In the previous lecture, we discussed the meaning of westernization. Today, we will try to know some of the characteristics of this process, westernization. Characteristics of westernization. First, it is inclusive and as it can accommodate various outside elements. तो सबसे जो पहला इसका characteristic है, जो इसकी जो खासियत वो ये है कि ये जो process है ये inclusive है. इसमें क्या होता है कि जो non-western societies होती हैं वो बैरूनी जो एलिमेंट्स हैं, जो बैरूनी जो अनासर हैं, उनको अपनी ज़िंदगी की डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो पहलू होते हैं उनमें अपनाते हैं, वहाँ पर एकोमोडेट करते हैं. तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये इनक्लूसिव है कि इसमें जो आउटसाइड एलिमेंट्स हैं उनको एक नॉन वेस्टर्न सोसाइटी अपने अंदर अडोप्ट करती है, उनको अपनाती है, उनका इन्फ्लुएंस लेती है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है ये एक इनक्लूसिव प्रोसेस है. नंबर सेकंड, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एज इट इंक्लूड्स मैनी एस्पेक्ट्स सच एज बिहेवियर एस्पेक्ट, नॉलेज एस्पेक्ट. तो दूसरा जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो अमल, ये जो प्रोसेस वेस्टर्नाइजेशन है, ये एक पेचीदा अमल है. क्योंकि आपको पता है कि हमने पढ़ा कि चूँकि ये जब नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ वेस्टर्न सोसाइटी को के करेक्टरिस्टिक्स को अडोप्ट करते हैं, तो वो मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स होते हैं सोशल लाइफ के, चाहे वो उनकी लैंग्वेज हो, चाहे वो उनका ड्रेस हो, चाहे वो उनके जो ईटिंग हैबिट्स हों, चाहे उनका एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, ज़िंदगी के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो सोशल लाइफ के, उन पे ये असरअंदाज होता है, उन पे ये इन्फ्लुएंस करता है. उन एस्पेक्ट्स में हम वेस्टर्नाइज हो जाते हैं, या उन एस्पेक्ट्स, उन पहलुओं में हम अपनी जो हम कह सकते हैं जो वेस्टर्नाइजेशन है इसको अडॉप्ट करते हैं, जो वेस्टर्न करेक्टरिस्टिक्स है उनको अडॉप्ट करते हैं. तो इस तरह ये जो अमल है ये एक पेचीदा अमल हो जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ शोबों में हम इसका इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगी में होता है, जो हमारी सोशल लाइफ है, हमारा बिहेवियर है, हमारा कंडक्ट है, हमारा वैल्यू सिस्टम है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारी हमारा जो एजुकेशन है, हमारी लैंग्वेज है. तो ज़िंदगी के जो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उन में हम इन्फ्लुएंस होते हैं इस प्रोसेस से. तो इस तरह चूँकि ये आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, हम इसे मुतासिर होकर इसको फॉलो करते हैं, तो इस तरह एक पेचीदा अमल हो जाता है ये. इट इज़ मैनी लेयर्ड फॉर इट ऑकर्स इन मैनी लेवल्स. तो दूसरा एक जो करेक्टरिस्टिक इसका है, क्योंकि ये एक यकदम, जिसे हम कहते हैं कि यकदम कोई चीज़ हो जाती है, ऐसा नहीं है, ये कोई रेंडमली नहीं होती. इस ये एक हम कह सकते हैं कि एक आहिस्ता अमल है जो मरहला वार हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मरहले हैं. क्योंकि अगर आप देखोगे कि पहले से जो वेस्टर्नाइज हम कह सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन का जो कंसेप्ट है, या जो हमारे हमारे जो इंडियन सोसाइटी है, इसमें जो वेस्टर्नाइजेशन हुआ है, इसमें जो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ है, तो वो एकदम से नहीं आ गया. उसमें क्या हुआ कि जो प्राइमरी पहले जो लेयर पर होता है, प्राइमरी लेवल पर, वो इंडिविजुअल्स, वो अशखास जो वेस्टर्न कल्चर से हम कह सकते हैं कि मुतासर होकर, उनके डायरेक्ट कंटेक्ट में होकर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश रूल में जो लोग उनके साथ काम करते थे, या हम कह सकते हैं कि आज के ज़माने में जो वेस्टर्न सोसाइटी में जाकर पढ़ते हैं, काम करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, तो वो वहाँ के लोगों से डायरेक्ट कंटेक्ट में आकर फिर इन्फ्लुएंस होते हैं, फिर वो उनको फॉलो करते हैं. तो वो प्राइमरी लेवल पे, इसके बाद क्या होता है कि वो लोग जब घर आते हैं तो कुछ लोग उन्हें देखकर उनको इमिटेट करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी लेवल पे होता है कि ऐसे लोग जो प्राइमरी लेवल जो वेस्टर्नाइज्ड पीपल होते हैं उनके कंटेक्ट में आकर फिर उनको फॉलो करते हैं, इस तरह वो भी वेस्टर्नाइज हो जाते हैं.
इसी तरह एक और तीसरा लेवल है कि कुछ लोग जो टर्शियरी हम कहते हैं कि उस लेवल में क्या होता है, कुछ लोग इनडायरेक्टली खुद देखते हैं इसको, इसके रिसर्च करते हैं या हम कह सकते हैं इसके बारे में जान जाते हैं कि वेस्टर्नाइज्ड जो या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं, उनमें क्या होता है, किस तरह का उनका कल्चर है, ज़ुबान है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो फिर ख़ुद उनसे मुतासर होकर कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस का जो ये जो अमल है ये मरहलावार है कि मुख्तलिफ लेवल्स हैं इसके, मुख्तलिफ मरहले हैं इसके, तो एक ही मरहले के अंदर ये वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस वजूद में नहीं आता है, इसके अलग अलग मरहले होते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसिस इज गिवन मोर ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म एंड रैशनलिज्म। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोसेस है वेस्टर्नाइजेशन, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो रैशनलिज्म और ह्यूमैनिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है कि हर जो शख्स है, हर इंडिविजुअल जो है, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, गोरा हो, काला हो, अमीर हो, गरीब हो, तो यहाँ पर एक तमाम लोगों की जो फलाह व बहबूद है, उनका वेल बीइंग, उनका वेलफेयर, ये जो कंसेप्ट है, ये जो बात है, इसमें बताई जाती है, इसमें इस चीज़ का जिक्र है कि जो वेस्टर्नाइजेशन हम कह सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें देखने में आती हैं कि इसमें कास्ट सिस्टम या हम कह सकते हैं कि रीजनल सिस्टम, रीजनलिज्म या कम्युनलिज्म, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन और एक रैशनलिज्म कंसेप्ट या इस आइडिया पे बेस्ड है कि इसमें इक्वलिटी है, इसमें जस्टिस है, इसमें जैसे अपने हमने पढ़ा था कि जो संस्कृतिजेशन एक प्रोसेस है, उसमें जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट लोगों को इमिटेट करते हैं ताकि वो भी उनकी तरह दिखें, क्योंकि उसमें जो है कि यहाँ पर इंडियन सोसाइटी के अंदर कास्ट सिस्टम में जो इनइक्वलिटीज़ पाई जाती हैं, जो इनजस्टिस, जो हम कह सकते हैं कि उनके साथ जुल्म, तशद्दुद या बाकी जो उनके जो हकूक़ नहीं मिलते थे, लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं, इसमें तमाम लोगों को यकसां नज़र से देखा जाता है, इसमें चूँकि हर कोई इसको अडॉप्ट कर सकता है, इस हर कोई वेस्टर्नाइज हो सकता है, हर इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन का कॉन्सेप्ट है वो है, ये इसी तरह रैशनलिज्म का आइडिया है, तो ये सब चीज़ें अच्छी जो हैं, जो माकूल हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव सेंस में ये जो प्रोसेस है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको इसलिए लोग ज़्यादा फॉलो करने लगे क्योंकि इसमें जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट है, ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इसी तरह रैशनलिज्म, ये जो आइडियाज़ पाए जाते हैं तो ये लोगों को पसंद आती है, इस तरह हम कह सकते हैं कि इनको ज़्यादा फॉलो किया जाता है, तो एक पॉजिटिव सेंस है इसका। नंबर फाइव, वेस्टर्नाइजेशन प्राइमरली फोकसेस ऑन कल्चरल चेंज। चूँकि आपने पढ़ा इसमें जो प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने जब इस कंसेप्ट को, इस टर्म को क्वाइन किया, तो उसमें चूँकि उसने देखा कि इंडियन सोसाइटी पे जो बरतानिया यहाँ पर हुकूमत कर ब्रिटिश जो रूल था यहाँ पे, तो उनके कांटेक्ट में आकर 200 साल 150 साल तक रहकर उनके कांटेक्ट में इंडियन सोसाइटी के अंदर इसके कल्चर के अंदर क्या चेंजेस आ गई है, तो इसका जो मेन फोकस है वो कल्चरल चेंजेस है, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम ये चीज़ें पढ़ते हैं कि किस तरह हमारे कल्चर के अंदर, हमारे तमद्दुन, हमारी सकाफत के अंदर, हमारी ज़ुबान के अंदर, हमारा जो लिबास है, पहनावा है हमारा, इसमें कैसी चेंजेस आ गई, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो हम कह सकते हैं कि उनमें किस तरह का उस किस तरह की तब्दीली आ गई, तो इसका जो मेन फोकस है वो कल्चरल चेंज पे, जो तमद्दुन, जो सकाफत के अंदर जो तगीर, जो तब्दीलियाँ आ गई, तो इस का फोकस, जो वेस्टर्नाइजेशन का जो फोकस है वो कल्चरल चेंजेस पे हैं, किस तरह हमारी ज़ुबान में तब्दीली आ गई, हमारे वैल्यू सिस्टम में तब्दीली, हमारे जो कस्टम्स है वो कैसे तब्दील होते गए, तो ये चीज़ें ज़्यादा फोकस में है इस प्रोसेस के। नेक्स्ट इज़ वेस्टर्नाइजेशन रिजल्ट्स इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस एंड ब्रिंग्स चेंजेस इन द ओल्ड इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक अच्छी बात है पॉजिटिव, क्योंकि आपने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इस इंडियन सोसाइटी के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशंस पाए जाते थे जिनको जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो रूल करते थे तो उनके दौर हुकूमत में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव जो एक्ट्स भी बन गए, पॉजिटिव सोशल रिफॉर्म्स भी हो मतलब वजूद में आ गए, जिससे कि जो
ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर थे जो कि जुल्म, नाइंसाफ़ी या ना मसावात की बुनियाद पर बनाए गए थे, उनको ख़त्म किया गया। इसी तरह लोगों पे जो जुल्म होता था, जो लोअर कास्ट्स पे, उनको ख़त्म किया गया। तो यहाँ पर नए इंस्टीट्यूशंस आ गए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल सिस्टम में आप देख सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज़, या हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट, या हम कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस वजूद में आ गए, जिनकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे जो पॉजिटिव मुस्बत तब्दीलियाँ इंडियन सोसाइटी के अंदर आ गई। तो इसका जो ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या है कि न्यू कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नई तकनीक आती है, न्यू आइडियाज़ जन्म लेते हैं, न्यू आइडियाज़ को फॉलो किया जाता है। जैसे औरतों को की जो एजुकेशन है वो ब्रिटिशर्स की वजह से यहाँ पर आ गई। इसी तरह हम कह सकते हैं कि राइट टू वोट, या हम कह सकते हैं कि राइट टू इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, बहुत सारे जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल उस बरतानिया से पहले या इंडियन सोसाइटी में इनका वजूद ही नहीं था। इन यहाँ पर इनइक्वलिटी पाई जाती थी, यहाँ पर अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर इनजस्टिस पाई जाती थी। तो ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न सोसाइटीज़ की वजह से, उनके करेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने की वजह से, तो ये चीज़ें यहाँ पर न्यू आइडियाज़, न्यू इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हो गए, उनकी बुनियाद रखी गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ऐसे पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी मैदान में, किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में, उनको रिप्लेस करके नए इंस्टीट्यूशंस वजूद में आ गई, नए आइडियाज़, नए कॉन्सेप्ट्स, नई टेक्नोलॉजी वजूद में आ गई और उसको फॉलो किया गया। तो वेस्टर्नाइजेशन का मतलब यही है कि जब हम वेस्टर्न से, वेस्टर्न कल्चर से, उनके तमद्दुन से, उनकी सिविलाइजेशन से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस होकर उसको अडॉप्ट करते हैं, और हम यहाँ पर ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को रिप्लेस करके न्यू इंस्टीट्यूशंस का वजूद में लाते हैं, वजूद अमल में लाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू इंस्टीट्यूशंस, न्यू आइडियाज़, न्यू कॉन्सेप्ट्स जन्म लेते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है, न्यू इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसके जो डिफरेंट मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो इम्पैक्ट हुआ है इंडियन सोसाइटी पे, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।